रविवारीय टेस्ट डिक्टेशन कुल शब्द 720, गति 80 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 8 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भविष्यवाणी की गई थी वह गलत थी। विराम। गेहूं की उपज का जितना आर्थिक समीक्षा के जरिए कृषि वैज्ञानिकों के जरिए किया गया था उतनी उपज नहीं हुई। विराम। इसका एक कारण यह है कि हाइब्रिड सीड्स हमारे देश में आ रहा है, उन्हें हर साल बदलना होता है। विराम। हमारी दिक्कत यह है कि 90-95% किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। विराम। वह किसान हाइब्रिड सीड्स का उपयोग हर साल नहीं कर सकते हैं। विराम। क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। विराम। पैरा। इसमें कहने बताने की कोई बात नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। विराम। तमाम तरह के औद्योगिकीकरण के बावजूद आज भी देश की 60% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। विराम। अन्नदाता के साथ ही यह रोजगार और विकास का भी सबसे बड़ा आधार है। विराम। सत्यमेव जयते की जगह लूटमेव जयते का नारा बुलंद करते हुए अकेले 2018 में इन कंपनियों ने किसानों के नाम पर 3,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। किसानों के नुकसान के दावों की भरपाई करना तो दूर, उन्होंने फसल बीमा के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ किसानों से ली राशि जितना मुआवजा भी नहीं चुकाया। यह अच्छा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म लघु एवं मंझौले उद्योगों के साथ साथ किसानों और सड़क किनारे दुकान लगाने वालों की भी चिंता की। विराम। किसानों के हित संवर्धन के लिए खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना समय की मांग थी। विराम। कृषि मंत्री के अनुसार अब किसानों को लागत से 50-83% अधिक कीमत मिलेगी, लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसा वास्तव में हो। विराम। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई सक्षम तंत्र बनाए जिससे किसान को अपनी उपज बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। विराम। निसंदेह ऐसा कोई तंत्र तभी बनेगा जब राज्य सरकारें अपनी सक्रियता दिखाएंगी। विराम। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता जब किसी तरह के संकट में पड़ जाती है तब उसकी उम्मीद यही होती है कि सत्ता और विपक्ष में बैठे उनके नेता परिस्थितियों को समझेंगे और मदद करेंगे। विराम। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बने मौजूदा हालात में देश भर में खास तौर पर गरीब मजदूरों के सामने जिस तरह का व्यापक संकट खड़ा हो गया है उसमें लगभग सभी पार्टियों और नेताओं
के रुख ने उनका भरोसा बहुत कमजोर कर दिया है। विराम। पूर्णबंदी की वजह से रोजी रोटियां, हर तरह के रोजगार सहित शहरों में रहने के ठिकाने तक से लाचार कर दिए गए मजदूरों के सामने लगभग सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। विराम। ऐसे में उनके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है। विराम। न्यायालय ने संकेत करने को यह अवसर लिया है कि बगैर एक तर्कसंगत निर्णय के अंतिम आदेश को उद्घोषित करने के उच्च न्यायालयों के द्वारा वर्तमान तौर से पद्धति के कारण गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। विराम। यह इच्छेय है कि अंतिम आदेश जो उच्च न्यायालय पारित करने का इरादा करता है उद्घोषित नहीं किया जाना चाहिए। विराम। जब तक कि उद्घोषणा के लिए एक तर्कसंगत निर्णय तैयार नहीं है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक अंतिम आदेश बगैर एक तर्कसंगत निर्णय के उच्च न्यायालय एक संविधि असंवैधानिक है, अथवा जैसा कि वर्तमान मामले में कैदी संरोध से उन्मुक्त हो। विराम। भारतीय प्रशासनिक सेवा और उनके समकक्ष सेवा अधिकारी वर्ग सरकार से ऊंचे वेतनमान की मांग कर रहा है। यह मांग इसलिए की जा रही है कि निजी क्षेत्रों में औद्योगिक घरानों में अपने अपने अफसरों को ऊंची ऊंची तनख्वाह के साथ अन्य दूसरी सुविधा देने की बेशक होड़ लगी हुई है। विराम। यदि वेतनमान के आधार पर हैसियत तौली जाने लगेगी तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या हैसियत रह जाएगी? विराम। वेतनमान के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा सामंतवादी मनोवृत्ति का परिचायक बनती जा रही है। उसको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कानूनी प्रावधान किया जाए। विराम। इस फंड परिचालन की समय सीमा क्या होगी? यह सरकार और अन्य हितधारकों के काम करने की गति व गंभीरता पर निर्भर करेगा। तात्कालिक जरूरत इस बात की है कि उस संस्था को अंतिम प्रारूप दिया जाए जो 10,000 करोड़ रुपए के सम्मिलित फंड का प्रबंध करेगी। इसके लिए एक समर्पित टीम को काम पर लगाना होगा जो निजी फंड्स के साथ बिना देरी किए काम शुरू करे। विराम। सम्मिलित फंड मानकों नकदी पूंजी लाभ के लिए योग्य उद्यमों की संख्या पर निर्भर करता है। विराम। MSME मंत्रालय का अंदाजा 25 लाख उद्यमों का है। विराम। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।